फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेयू। मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे कि आज मैं कुछ नए जगह में हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो ही कुछ अलग है। पहले हम जैसा नॉर्मली वीडियोस बनाते थे DIY के, जैसे अभी मैं आगे भी आपसे शेयर करूंगी DIY जो हम नेकलेस और इयररिंग्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ अलग है। आज मैं आपके लिए कुछ ड्रेस मटीरियल्स लेके आई हूँ और मैं चाहती थी आप थोड़े से अवेयर हों कि आजकल अभी सिल्क के जितनी अभी मार्केट में साड़ीज आ रही हैं तो उनकी रेंज बहुत ही ज़्यादा हाई फाई होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा अवेयर हो जाएं उस चीज़ से कि किस टाइप की साड़ियाँ किस रेंज में मिलती हैं, ताकि आप इजिली परचेस कर सकें साड़ियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी पर मेरा बेस्ड है कि मार्केट में किस टाइप की सिल्क की साड़ियाँ मिलती हैं और उनकी रेंज क्या क्या होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको 500 से स्टार्ट करके 2500 तक की साड़ियां आप दिखाऊंगी कि आप किस किस टाइप में वैरायटी में कैसे डिजाइन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे आगे आने वाले वीडियो में आपको सिल्क की बहुत सारी साड़ियां, जॉर्जेट की, शिफॉन की साड़ियां देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगी और आपको रेंज भी बता दूंगी, ताकि आपको मार्केट से लेने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप चाहते हैं तो मैं नीचे भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप इससे भी पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज की फर्स्ट साड़ी हमारी वो है प्लेन सिल्क की साड़ी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप मार्केट सिल्क की साड़ियाँ लेने जाते हैं, आपको आजकल मार्केट में जितनी भी सिल्क की साड़ियाँ मिलेंगी वो मोस्टली बैंगलोर सिल्क के नाम से मिलेंगी। तो बैंगलोर सिल्क के नाम से इसलिए क्योंकि सिल्क का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, साड़ियाँ मैन्युफैक्चर वहाँ पे होती हैं। बाकी तो आपको सूरत में भी बहुत सारे सिल्क की साड़ियाँ और अदर स्टेट में भी मिल जाएंगी, बट मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होती है, तो फिर वहाँ बैंगलोर सिल्क के नाम से वो सेल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। ये जो मैंने फर्स्ट साड़ी अभी उठाई है, ये आपको मोनिका प्लेन सिल्क के नाम से मिल जाएगी मार्केट में, या तो प्लेन सिल्क के नाम से मिल जाएगी, प्लेन बैंगलोर सिल्क सिल्क की साड़ी के नाम से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको देती हूँ। ये साड़ी पूरी 6.5 मीटर की है और जैसा आप देख सकते हैं ये प्लेन साड़ी है और इसमें गोल्डन का बॉर्डर दिया हुआ है। तो अभी मैं इसको आपके सामने खोल के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस साड़ी में सबसे अच्छी बात ये है कि ये साड़ी छूने में बहुत सॉफ्ट है और पहनने में बिल्कुल हैवी नहीं होती है। और फ्रेंड्स, इसमें ये जो ब्लू कलर है बहुत रिच लुक देता है ये ब्लू कलर। आपको ये साड़ी सारे कलर में अवेलेबल है, आप जितने भी 12 कलर्स होते हैं आपको सब मिल जाएंगे। और इस पर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसके साथ ब्लाउज पीस भी सेम रनिंग में मिल जाता है। अगर आप चाहें फ्रेंड्स, अगर आप कोई हैवी पार्टी या कोई बहुत ही शादी वाले फंक्शन में अटेंड करना चाहते हैं और एक बहुत अच्छा लुक चाहते हैं, तो आप इस प्लेन साड़ी के साथ जो जगह के ब्लाउज आते हैं पीसेस वो भी पहन सकते हैं, वो इसके साथ एडिशनल है। अगर आप चाहें तो वो भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके सेम ब्लाउज पीस इसमें अंदर पे दिए होते हैं आप वो पहन सकते हैं। तो मैं आपको ये साड़ी पूरी खोल के दिखाती हूँ कि ये दिखने में कैसा है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये पूरी प्लेन साड़ी है और नीचे यहाँ पे अच्छा 6 इंच का लंबा चौड़ा बॉर्डर दिया हुआ है गोल्डन का इस पर। और अगर आप चाहें तो इस पर सेम कलर के ब्लाउज पहन सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस पर कंट्रास्ट कलर के ब्लाउज भी कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके हम पल्लू की बात करते हैं। तो पल्लू पे यहाँ पे आपको गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई है, लंबी लंबी आप देख सकते हैं लाइन बनी हुई है, जो बहुत अच्छा लुक देता है इस साड़ी को। तो फ्रेंड्स, ये साड़ी बहुत ही हल्की और बहुत ही रिजनेबल है। ये साड़ी आपको 1000 रुपीज में इजिली मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने जैसे बोला आप नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूंगी। आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि अगर आपको कुछ और इसके बारे में क्वेश्चन पूछनी है या कुछ और जानना है। फ्रेंड्स, ये आपको मार्केट में बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरे कलर दिखाती हूँ। जैसे एक हमने अभी ब्लू देखा, अब मैं आपको दूसरे कलर दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी एक दूसरा कलर मैंने उठाया है, ये है ब्लैक कलर। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा लुक देता है, स्पेशली रात के टाइम अगर आप कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसमें भी सेम गोल्डन का काम किया हुआ है, गोल्डन की यहाँ पे बॉर्डर दी हुई है 6 इंच की चौड़ी और गोल्डन का ही यहाँ पे पल्लू दिया हुआ है। और बाकी फ्रेंड्स, पूरी साड़ी प्लेन ब्लैक की है। इसके साथ आप मेरी ज्वेलरी कैरी करना ना भूलें प्लीज। और आप ये देख सकते हैं, ये साड़ी बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाइट वेट साड़ी है और किस
फंक्शन में ये बहुत आप आराम से कैरी कर सकते हैं। और आप सबको पता है सिल्क की साड़ी तो वैसे भी पहनने में बहुत रिच लुक देती है, तो फ्रेंड्स आप ये साड़ी आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें। और इसमें आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला यहाँ पे जैसे मेरे पास पर्पल, मरून, ब्लैक, ब्लू कलर्स हैं। आपको और कोई से भी कलर चाहिए वो सारे कलर भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको दूसरी साड़ी दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, अब दूसरी साड़ी की बारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन मेरे पास एक सिल्क की साड़ी है जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको उसका कैटलॉग जो पिक होती है वो दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स ये है उस साड़ी की पिक, अगर आप देख सकते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स ये है ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन में। इसे फ्रेंड्स मार्केट में मलाई सिल्क के नाम से ही आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला था ये आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू लिया, पिंक, रेड, येलो, ग्रीन, आपको जो से भी कलर चाहिए आपको सब कलर में ये मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी देखना। तो फ्रेंड्स इसके बारे में क्या बताऊँ, ये तो डबल शेड वाले कलर्स हैं, देखने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स इसकी है कि ये साड़ी बहुत, जितनी भी सिल्क साड़ी होती है बहुत सॉफ्ट होती है ये साड़ियाँ, कैरी करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इस साड़ी की अगर बात करूँ तो पर्सनली मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है येलो और ब्लू, आप सबको पता है येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और बहुत कूल सा कॉम्बिनेशन लगता है फ्रेंड्स गर्मियों के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी गोल्डन इस डबल कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे गोल्डन का बॉर्डर दिया हुआ है। अगर मैं आपको अच्छे से खोल के दिखाऊं ये साड़ी, आप ये देखिए यहाँ पे गोल्डन का बॉर्डर दिया हुआ है और यहाँ पे साथ में ही ये गोल्डन की बूटियां बनी हुई है। अगर आप देख पा रहे होंगे इन साड़ियों पे तो आप देख सकते हैं ऊपर पे भी यहाँ पे गोल्डन की बूटियां बनी हुई है और फ्रेंड्स ये नीचे भी ब्लू शेड पे भी ये गोल्डन की बूटियां बनी हुई है। फ्रेंड्स एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं है, कोई हैंड वर्क नहीं है, ये फ्रेंड्स डिजिटल जो प्रिंट्स होते हैं ये वो प्रिंटिंग है। तो आपको इस बात की टेंशन ही नहीं होनी चाहिए कि प्रिंट्स निकल जाएंगे या फिर कहीं से इसके धागे निकलेंगे या रेशे निकलेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा एक इस पर जो बूटियाँ बनी हुई है बहुत अच्छी लुक दे रही है और इस पर ये निकलने टूटने गिरने का तो झंझट ही नहीं है, ना तो ये एम्ब्रॉयडरी और ना तो ये थ्रेड वर्क है, ये फ्रेंड्स जो डिजिटल प्रिंट्स होते हैं वो है। और आप ये पूरी साड़ी देखिए, पूरी साड़ियों पे ये बूटी बनी हुई है ब्लू पे भी और येलो पे भी। और इसके अगर आंचल की बात करें तो फ्रेंड्स इसका आंचल बहुत ही अच्छा है और इसके आंचल पे भी खूब सारी बूटियाँ बनी हुई हैं। अब जैसे देख सकते हैं कैरी, बड़े बड़े कैरी के फ्लावर्स बने हुए हैं और यहाँ पे छोटी छोटी कैरीज बने हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा एक आंचल इस पर प्रिंट बनाया हुआ है इन लोगों ने। और इसके अगर हम ब्लाउज की बात करते हैं तो आपको कंट्रास्ट में ये ब्लू कलर का ब्लाउज पीस मिल रहा है। अगर आप चाहें तो मार्केट से दूसरे फैब्रिक भी परचेस करके आप पहन सकते हैं अगर आपको ज़्यादा हैवी लुक चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो इसमें ब्लाउज पीस आपको दिया हुआ है, साथ में उसके ब्लाउज पीस में भी यहाँ पे बॉर्डर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का ये वर्क इस पर प्रिंट की हुई है। तो फ्रेंड्स आप ये साड़ी ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मुझे तो ये साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स इसकी भी लंबाई 6.5 मीटर है और ब्लाउज पीस आपको इसके साथ में मिलेगी। जैसे मैंने पहले बोला कि इसके साथ बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक कैटलॉग में आपको और दिखा सकती हूँ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पिंक का और येलो का कॉम्बिनेशन है, सेम साड़ी है बस इसके कलर अलग है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन है। फ्रेंड्स तो ये भी बहुत अच्छा, ये डे फंक्शन के लिए तो बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। गर्मियों के सीजन में आप सबको पता है कि हमें डार्क कलर बहुत ज़्यादा पहनने अच्छे नहीं लगते किसी को भी, तो आप ये आराम से कैरी कर सकते हैं गर्मियों के सीजन में, स्पेशली दिन के फंक्शन में। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स इसमें हैं अगर आप चाहते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो आप शायद गेस भी नहीं कर सकते ये इतनी सस्ती साड़ी है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस साड़ी की प्राइस है 1385 रुपीज़। आपको ये मार्केट में कहीं भी इतनी प्राइस में शायद अवेलेबल नहीं होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये साड़ी इतनी प्राइस के लिए बहुत ही सस्ती है
और ये इतनी अच्छी साड़ी है फ्रेंड्स, आप जरूर इसे परचेज करें। बहुत लाइट वेट है ये साड़ी, आप इजिली कैरी कर सकते हैं, आपकी मदर्स कैरी कर सकती है, मदर्स इन लॉ कैरी कर सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हम सबको दिक्कत ये होती है, जो हमारी मम्मीज होती हैं उन जैसे जैसे उनकी एज होती है, वो बहुत ज्यादा हैवी साड़ियाँ कैरी नहीं कर सकती, तो उनके लिए सिल्क साड़ी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ओके तो चलिए फ्रेंड्स हमारी तीसरी जो साड़ी है उसकी बारी है, तो ये भी खोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका कैटलॉग दिखा दूँ, कैटलॉग कितने ये कैसी है आप ये देख सकते हैं। ये पिक दिखने में ऐसी है, ये ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो ये रॉयल ब्लू है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको बटिक प्रिंट बहुत पसंद है। जिनको बटिक प्रिंट नहीं पता, मैं उनके लिए बता दूं कि बटिक प्रिंट जो होता क्या है। फ्रेंड्स जैसे बांधनी साड़ी होती है, वैसी एक बटिक एक प्रिंट है, इसपे वो वैक्स यूज करके फैब्रिक पे डिजाइन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इसपे वो बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए हम ये साड़ी खोलते हैं। और फ्रेंड्स आपको मार्केट पे ये क्रैकल सिल्क के नाम से मिल जाएगी, या तो रेशम सिल्क के नाम से ये साड़ी आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगी। फ्रेंड्स तो मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। और इस साड़ी की सबसे अच्छी बात ये कि ये छूने में नाम जैसा इसका है रेशम सिल्क, एग्जैक्ट नाम को ये अपने फॉलो करती है, रेशम की जैसी बहुत ही सॉफ्ट है। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं छूने में बहुत सॉफ्ट है ये साड़ी। अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। अगर आपको याद होगा फ्रेंड्स, तो इस टाइप की प्रिंट्स आपको पहले भी जो हमारी साड़ियाँ चलती थी उसमें मिल जाएंगी। ये जो हमारी साड़ी है ये डिज़ाइन बहुत ही पहले से चला आ रहा है, बट ये जो सिल्क की साड़ी में ये फर्स्ट इन्होंने ट्राई किया पहली बार कॉम्बिनेशन, क्योंकि पहले ऐसे प्रिंट कॉटन में हमें देखने को मिलते थे, बट ये सॉफ्ट सिल्क है फ्रेंड्स और ये बहुत ही अच्छा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बटिक का काम किया हुआ है वो इसके बॉर्डर पे किया हुआ है, जो हमारा बॉर्डर ब्लू नेवी ब्लू में दिया हुआ है उस पर व्हाइट कलर से बटिक का काम किया हुआ है। और यहाँ पे हमें जो बेस का फैब्रिक मिल रहा है ये ग्रीन है, और इस पर भी ब्लू के आपको थोड़े थोड़े जैसे क्रैकल्ड मैंने वर्ड बोला था वो वैसे वैसे कुछ यहाँ पे आपको प्रिंट्स मिल जाएंगे। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका बॉर्डर, ये जो आंचल है ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि इस पर पूरा ये जो बटिक का काम है वो किया हुआ है, और ब्लू पे व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये पूरी साड़ी की जो बॉर्डर है वो बटिक से भरी हुई है, आप ये देख सकते हैं। और ये छूने में बहुत ही सॉफ्ट है। और फ्रेंड्स अगेन ये 6.3 मीटर की साड़ी है, और आपको साथ में इसके ब्लाउज पीस भी मिल जाएगा, और ब्लाउज पीस भी सेम जो रनिंग ब्लाउज होती है हमारी वो सेम इसमें दिया हुआ है, ग्रीन और ये ब्लू में ही है। अगर आप चाहते हैं तो प्योर ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन भी आप कैरी कर सकते हैं, बट ये रनिंग में ब्लाउज दिया हुआ है, तो आप ये भी इसे निकाल के से ब्लाउज बना सकते हैं। फ्रेंड्स तो ये साड़ी जैसे मैंने पहले आपको बोला कि हर साड़ी के सारे आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, तो इस साड़ी के भी सारे कलर अवेलेबल हैं, ग्रीन रेड ब्लू जो भी 12 कलर्स होते हैं आपको सारे मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स इसकी प्राइस बहुत ही कम है, आपको शायद देखने में ये पता चल रहा है, आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और बहुत सिल्की, जैसे मैंने बोला था रेशम, ये रेशम के जैसे ही है। अगर आप ये कैरी करें तो ये कैरी करने में बहुत सुंदर लगेगी। तो फ्रेंड्स आप ये डेली वेयर भी आप यूज कर सकते हैं, ये और प्राइस इसकी 1025 रुपए बस, 1025। तो ये फ्रेंड्स बहुत सस्ती साड़ी है, आप जरूर ये ट्राई करें, और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये सब साड़ियाँ कैसी लग रही हैं। फ्रेंड्स अब बारी है दूसरी साड़ी की, तो चलिए वो भी हम बताते हैं कि बारी है हमारी ये फोर्थ साड़ी की, तो चलिए ये भी हम अभी इसे ओपन करते हैं। बट मैं उससे पहले आपको कैटलॉग वाली पिक दिखा दूँ, तो ये कैटलॉग वाली पिक है। और फ्रेंड्स ये जो साड़ी है इसे मधुबनी सिल्क बोलते हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो आप इसे मार्केट में जाके ऐसा बोल सकते हैं कि मधुबनी सिल्क आपको चाहिए, तो वो ये वाली सिल्क साड़ी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इसका। आप सबको शायद पता होगा फ्रेंड्स कि मधुबनी जो प्रिंट होती है वो बहुत फेमस प्रिंट है। ये जैसे अगर आपको याद हो हम हाथों में जब मेहंदी लगाते हैं तो छोटे छोटे फ्लावर्स कैरी उनमें बनाते हैं, तो ये जो मधुबनी प्रिंट होती है बेसिकली ये वही सारे डिजाइन फ्लावर लीव्स ये सारी यूज करके ये प्रिंट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो साड़ी है ये बहुत ही सुंदर साड़ी, मैं आपको दिखाती हूँ अभी खोल के। इसका जो कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे लाइट ब्राउन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है,
और सबसे खास बात, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये साड़ी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सिल्की है। तो अभी मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ साड़ी। फ्रेंड्स, ये जो साड़ी है ये 6.3 मीटर की है, जैसे बाकी सारी साड़ियाँ हैं, और कॉटन की साड़ियाँ सिल्क की साड़ी में होनी भी चाहिए ताकि आपको पहनने में कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, इसका जो ब्लाउज है बहुत ही ज्यादा कंट्रास्ट है, क्योंकि हमें जो साड़ी यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है ब्लू, और बीच का जो बेस फैब्रिक है ये हमारा है ब्राउन। तो हमें जो ब्लाउज इसमें मिला हुआ है वो एकदम सेम कंट्रास्ट यहाँ पे प्लेन ब्लू का मिला हुआ है। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि फैब्रिक ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है फ्रेंड्स। तो ये प्लेन ब्लू आप कंट्रास्ट इसमें कैरी करें, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और ये पूरी साड़ियों पे आपको नीचे बॉर्डर मिल जाएंगी, 4-5 इंच के हैं, और इन सब पे ये अच्छे जो मधुबनी प्रिंट्स बने हैं, जो कैरी की मैंने अभी बात की थी, छोटे छोटे फ्लावर्स लीफ जो हम मेहंदी में बनाते हैं, सेम डिजाइन पूरी आपको साड़ियों पे मिल जाएगी। और ये जो पूरी साड़ियों के बीच बीच में छोटी छोटी सी बूटियां बनी है फ्रेंड्स, उससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप खुद भी देख सकते होंगे कि अगर मैंने ये उठा के हाथ पे ऐसे रखा है, ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है, जब आप ये पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेगी फ्रेंड्स। तो पूरी साड़ियों में ये कैरी बनी हुई है, आप ये देख सकते हैं। और ये जो स्पेशली जो बॉर्डर्स पे ये ब्लू का शेड दिया हुआ है, जो आपके ब्लाउज से मैच करता है, उसकी वजह से ये साड़ी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है फ्रेंड्स। तो ये बहुत सुंदर साड़ी है, आप प्लीज इसे भी जरूर ट्राई करें, क्योंकि आपके पास मेरे ख्याल से एक मधुबनी सिल्क साड़ी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मधुबनी प्रिंट्स की बात ही अलग है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आंचल पे खूब सारे फ्लावर्स बने हुए हैं, इसका कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू का बेस दिया हुआ है, उसके बाद उस पे फ्लावर्स बने हुए हैं ऑरेंज कलर पे और थोड़े से पिंक शेड पे, और बेस जो हमारा ब्राउन है वो तो है ही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आंचल भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, और इसकी प्राइस सिर्फ 1290 है। तो आप एक ये साड़ी जरूर अपने वार्डरोब में रखें, क्योंकि अभी गर्मी के सीजन के लिए सिल्क साड़ियाँ फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी हैं, और इस पे भी आपको कलर्स ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था। और यहाँ पे जो भी कलर मिलेंगे वो कंट्रास्ट में मिलेंगे, जैसे यहाँ पे ब्राउन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, आपको बेस में रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, आपको जो भी कलर चाहिए, जो 12 कलर्स होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 1290 में आपको बहुत ही अच्छी मधुबनी सिल्क साड़ी मिल जाएगी। तो आप बताइए मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कि आपको ये जितनी अभी तक मैंने साड़ियां दिखाई कैसी लगी, और सारे आप यकीन नहीं मानेंगे सारी साड़ियां अंडर 1500 हैं और मिलेंगे, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई सा महंगा होगा या कोई सा भी सस्ता भी हो सकता है। तो ये जो साड़ी है वो 1360 की साड़ी है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, पर्सनली मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। इस साड़ी में सबसे अच्छी बात क्या है, आपको यहाँ पे तो 3.6 साढ़े 6 मीटर की, तो आपको पूरी की पूरी साड़ी 6.3 मीटर की मिल रही है। और सबसे अच्छा जो इसका है इस साड़ी में, छूने में ये बहुत सॉफ्ट है ये साड़ी, और ये सिल्क की साड़ी है। और मैं आपको ये पूरी साड़ी खोल के दिखाती हूँ सबसे पहले। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये साड़ी इस पे पूरा प्लेन ये बना हुआ है, ग्रीन कलर का बेस दिया हुआ है, और यहाँ पे बॉर्डर जो है वो ब्लू कलर की है, उसपे गोल्डन कलर की बूटियां बनी हुई है, अगेन फिर यहाँ पे ग्रीन कलर का एक छोटा पतला सा और बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये पूरी साड़ियों पे सेम काम किया हुआ है, और ये जो गोल्डन कलर की यहाँ पे बूटियां बनी हुई है, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको ये दिखा सकती हूँ पूरी साड़ी, ये देखने में ऐसी लग रही है कुछ। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो आंचल है, आंचल पे हमें अगेन गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स मिलती है, आप ये देख सकते हैं गोल्डन कलर की और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स है, जो आंचल को बहुत अच्छा लुक देती है। आप ये देख सकते हैं जब ये हैंग होगी तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब फ्रेंड्स अगर हम इसके ब्लाउज की बात करें, तो इसका ब्लाउज एकदम ही कंट्रास्ट दिया हुआ है। पहले मैं आपको सारी साड़ियां खोल के दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं, इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। आपको सिल्क की साड़ियों में फैब्रिक के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सिल्क बहुत अच्छी और बहुत सॉफ्ट होती है, तो आप ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो हमें ब्लाउज मिल रहा है वो एकदम ही कंट्रास्ट मिल रहा है, यहाँ पे हमें बेस ग्रीन का मिला हुआ है, और हमें यहाँ पे साड़ी
के जो ब्लाउज है पीस वो हमें ब्लू का मिल रहा है, और ब्लू के हमारे यहाँ पे साड़ियों में बॉर्डर भी बने हुए जिससे इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं तो सजेस्ट करूंगी कि एक टसर सिल्क की साड़ियाँ आप जरूर रखें, क्योंकि टसर सिल्क की साड़ी बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लाउज पूरा प्लेन ब्लू दिया हुआ है, और अगेन यहाँ पे गोल्डन कलर की यहाँ पे पतली सी बॉर्डर दी हुई है जो साड़ी के बॉर्डर से मैच करती हुई है।